जय हिंद एवरीवन, मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है ना कि हर कोई अवेयर है। पहले जिस एग्जाम की कट ऑफ 320 जाया करती थी, आज उसी एग्जाम की कट ऑफ 360 पहुंच चुकी है और धीरे धीरे और भी इंक्रीज होती रहेगी बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। ये बात कर रहा हूं एनडीए के एग्जाम की, नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जाम। ये भाई साहब बहुत ही इमोशन से जुड़ा हुआ एग्जाम है बिकॉज बच्चा अपने आप को देखता है आर्म फोर्सेज में एज ऑफिसर, तो मतलब अपने आप में आग लगने वाली बात है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चा जो है ना इसकी तैयारी करता था या तो 12th के बाद या 11th 12th में थोड़ा बहुत, मोस्टली 12th के बाद क्या करता था जिसके अटेम्प्ट अच्छे खासे बच्चे होते थे वो। आज के टाइम पे बच्चा इसकी तैयारी 9th 10th से करना शुरू कर चुका है। जिस जो अवेयर है वो तो कर चुका है बिकॉज अगर आप नहीं भागोगे तो भाई रेस में पीछे रह जाओगे। अगर आप आज से शुरू करोगे तो भाई साहब ज्यादा आगे जाओगे, लेट शुरू करोगे तो कोई और आपसे आगे निकल चुका होगा। तो इसलिए अब एक ट्रेंड बन चुका है कि बच्चा 9th या 10th क्लास से ही एनडीए की तैयारी शुरू कर देता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 9th 10th में आपको स्पेसिफिकली किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप अपनी एक बढ़िया सी अप्रोच बना सके और जैसे ही आप एग्जाम दे पहले अटेम्प्ट में मामला खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एनडीए के बारे में, एग्जाम के बारे में बता देता हूं। बच्चे रिटन एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आता है मैथ्स जो कि आता है 300 मार्क्स का, और दूसरे पेपर में आता है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आता है बच्चे इंग्लिश, जिसमें आता है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर इकोनॉमिक्स, उसके बाद आता है जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। 200 200 200 तीनों मार्क्स, तीनों मिला के 600 मार्क्स का बच्चे पेपर होता है। आपको दोनों में इंडिविजुअली पास करना होता है और दोनों में मिला के कट ऑफ निकलती है वो भी आपको पास करनी होती है। कट ऑफ वगैरह के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और सारी वीडियोज आएगी, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो टोटल ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो, आपको 9th 10th में ना सबसे पहले पेपर 2 पे फोकस करो, जो जीएटी वाला पोर्शन है इस पे आपको बहुत ज्यादा करना है 9th 10th में बिकॉज इस पे आप काम कर सकते हो और चीजें कॉमन है। वैसे सबसे पहले बात करता हूँ साइंस की, बच्चे साइंस में जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उन एनसीईआरटी को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से आपको लर्न कर लेना है, समझ लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। थोड़ी रेफरेंस बुक की भी हेल्प लो, जैसे एस चांद की हेल्प लो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, स्पेसिफिकली बायो में बिकॉज मोस्टली बच्चा बायो छोड़ देता है 11th 12th में जाके, तो बायो का पोर्शन जीरो हो जाता है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखे ना तो उस बायो के पोर्शन भी आप 40% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, बशर्ते कि आपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं। जो समझ में नहीं आया तो आपने किसी रेफरेंस बुक से भी हेल्प ली है। तो पॉइंट इज, जो साइंस की एनसीईआरटी प्लस में कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज करते होगे इसको बिल्कुल धुन दो, बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से रिवाइज कर दो कि मतलब इससे कुछ भी पूछ ले। अगर आप ऐसा करते हो और एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तब पाओगे कि लगभग 35% क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट कर पा रहे हो, चीजों समझ पा रहे हो, अच्छा ऐसा कुछ कुछ पढ़ा तो है, या दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मतलब ये कर पाओगे कि हाँ कुछ तो कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे, उतने कॉन्फिडेंस बहुत है फिलहाल के लिए। दूसरा पोर्शन आता है बच्चे जीएस का। जीएस में आपको क्या करना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपने पढ़ी, उसके बाद उसी टॉपिक को आप यूट्यूब से या अनअकैडमी या किसी और प्लेटफॉर्म से देखो। मतलब जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़े फ्रीडम स्ट्रगल आपने पढ़ा दी है, उसको थोड़ा सा और सर्च करो। जैसे अगर आप देखो, नोट्स बनाने की नहीं कह रहा हूं मैं, नोट्स आपको तब बनाने जब आप किसी प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से जुड़े हुए हो। जैसे कि मैं बात करता हूं कि अनअकैडमी पे आज के टाइम पे बहुत बच्चा जो 10th से पढ़ रहा है उसको तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे वहां पे तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस देख लो नॉलेज के लिए। यही सेम काम आप साइंस में भी कर सकते हो, यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म की हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको लेनी ही पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे डेप्थ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और 11th 12th क्लास में आप साइंस तो फिर भी देखोगे, ये आप स्कूल में देखोगे नहीं, मोस्टली बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ उसको देखना स्टार्ट करो, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। ठीक है, और साथ साथ कोई स्टैंडर्ड बुक कर पाओ ये बहुत ही मतलब सेकेंडरी बोल रहा हूँ, टाइम हो तो करना, लूसेंट है, पाथफाइंडर है, दिशा है, लेकिन पहले ये चीज करो। इससे होगा क्या, आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा जीएटी में, बहुत ही जबरदस्त बेस बन जाएगा। थोड़ी सी मेहनत के बाद इस चीज पे आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे। अब सेकंड पोर्शन आता है मैथ्स की। सर मैथ्स में क्या करें, देखो बच्चे मैथ्स क्या है, उसमें जो एनडीए मैथ्स आते हैं 11th 12th की मैथ्स आती है मोटा मोटा, 9th 10th की मैथ बेस बनाने के लिए चाहिए होती है, तो आपको इसमें सिर्फ बेस ही बनाना है। आप बेस बनाओ, कुछ मत करो, जो आपके स्कूल के लिए पढ़ रहे हो ना 9th 10th के लिए बस वही पढ़ो, उसी को अच्छे तरीके से पढ़ो, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ, आपकी कैलकुलेशन वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह मैथ की अंडरस्टैंडिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए। 11th 12th की मैथ मत उठाओ अभी,
बिकॉज अगर आप जीएटी पे काम कर रहे हो तो आप 11 12th में आपको टाइम मिल जाएगा और आप इस पे अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। अभी उठाओगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये भी करोगे चीजें नहीं हो पाएगी। अपने आप को थोड़ा सा सॉर्ट करो, चीजें तो बहुत कुछ अवेलेबल है ना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको वो नहीं करनी चाहिए, वो चीज 11th से करो मैथ पे। तो जीएटी काम करो, बिकॉज जीएटी पे काम करना इजी है और आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मुझे लगता है पूरे 900 नंबर की स्ट्रेटेजी में बता पा रहा हूं आपको, जो चीज समझ में आ रही है अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करो और अपना दिमाग लगा के अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2 साल तक लगातार मेहनत कर लोगे तो 3rd साल तक आपका एग्जाम होगा और आप निकाल दोगे, फाड़ दोगे पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। और जो आपका सपना है ना, सिर्फ ये फिर नींद में नहीं आएगा, सिर्फ आंखों में नहीं रहेगा, रियलिटी बन जाएगा भाई साहब। ये इसको बच्चा ना दिन रात देखता है, बच्चों ने फोटो वॉलपेपर्स लगाई हुई है कि भाई मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है। इतना पैशन है बच्चों में। अगर आपके अंदर कहीं भी उस पैशन की, जुनून की कमी है ना, तो मेरी जान आप पीछे रह जाओगे। कंटिन्यूअसली बच्चा मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। तो आपको भी इस रेस में बने रहना है भाई। हर साल 400-400 करके 2 बार वैकेंसी आती है, बस इतना ही बच्चा है और देने वाला 6-7 लाख बच्चा है, वो भी 2 बार। तो कैसे कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो आपको बस करना यही है कि लगे रहना, ठीक है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रातों में जागते हैं। जो सो के सपने देख रहे हैं ना जान, उनका कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं जल्दी मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया सी आपको गाइडेंस देते हुए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।